जुपिटर हमारे सौर मंडल में सूर्य के बाद सौर मंडल पर राज करने वाला दूसरा सबसे बड़ा पिंड, जिसकी औसतन त्रिज्या ही 69,911 किलोमीटर जितनी तक फैली है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक फेल्ड स्टार है। यह हमारे सूर्य से इतना मेल खाता है कि उनके मुताबिक इसे एक तारा होना चाहिए था। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारी धरती से करीबन 600 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद पिक्टर नक्षत्र की ओर, जहाँ मौजूद है ये ट्रिपल स्टार सिस्टम EBLM J0555-57, जिसमें EBLM J0555-57AA और 57B हमारे सूर्य जैसे ही दो तारे हैं। जुलाई 12, 2017 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पर से वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने वास्प यानी वाइड एंगल सर्च फॉर प्लैनेट्स प्रोजेक्ट से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए EBLM यानी इक्लिप्सिंग बाइनरी लो मास प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हुए इस सिस्टम में एक और तारे के खोज की पुष्टि की। और ये कोई आम या ऐसा वैसा तारा नहीं था, ये था ब्रह्मांड में अब तक का मिला सबसे छोटा मेन सीक्वेंस तारा। ये था EBLM J0555-57AB। ये एक लाल बौना तारा है जिसकी औसतन त्रिज्या महज 69,000 किलोमीटर के करीब आंकी गई। यह आकार में हमारे सौर मंडल में मौजूद सैटर्न ग्रह से बहुत ही थोड़ा बड़ा पाया गया, जो इसे अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन को सपोर्ट करते हुए अब तक का सबसे छोटा तारा बना गया। हाइड्रोजन फ्यूजन माने वह प्रोसेस जिसमें तारे तब तक जलते रहते हैं जब तक वह इस फ्यूल को पूरी तरह से खर्च नहीं कर लेते। अब हमारे सौर मंडल में दो ही ऐसे पिंड बचते हैं जो इस नन्हे तारे से बड़े हैं, जिसमें एक बेशक हमारा सूर्य है, वहीं दूसरा है बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर, जो आइसक्रीम के एक विशाल स्कूप की तरह है, जो 69,911 किलोमीटर के मीन रेडियस के साथ इस तारे को भी बौना कर देता है। तो ऐसे में अब एक सवाल बेशक मन में उठना लाजमी है कि क्यों फिर जुपिटर इस विशाल आकार के साथ भी एक तारे की बजाय एक ग्रह है। अगर एक सेंटेंस में ही बात की जाए तो इसका छोटा और सिंपल आंसर यही है कि जुपिटर इतना द्रव्यमान रखता ही नहीं है कि वह अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर सके। EBLM J0555-57AB भले ही आकार में जुपिटर से छोटा हो, लेकिन द्रव्यमान में ये जुपिटर को कोसों पीछे छोड़ देता है। इस तारे का द्रव्यमान जुपिटर से 85 गुना तक ज्यादा है। ये सभी तारों में सबसे हल्का तारा कहा जा सकता है। ये इतना हल्का तारा है कि इसका द्रव्यमान थोड़ा भी और कम होता तो यह कोर में हाइड्रोजन को फ्यूज करने के काबिल ना होता। लेकिन अब एक सवाल कि अगर हमारा सौर मंडल थोड़ा भी अलग होता तो क्या जुपिटर एक तारे की तरह जल सकता था? यह गैस जायंट ग्रह भले ही एक तारा ना हो, लेकिन जुपिटर को फिर भी कम नहीं आंका जा सकता है। इसके अकेले का द्रव्यमान सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना तक ज्यादा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गैस जायंट होने के नाते इसका घनत्व यानी डेंसिटी वास्तव में कम है, लगभग 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारी पृथ्वी की डेंसिटी इसके तुलना में 4 गुना से भी अधिक है, करीबन 5.51 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जुपिटर और सन के बीच समानताओं पर ध्यान देना ज्यादा दिलचस्प है। सूर्य की डेंसिटी जुपिटर के करीब करीब 1.41 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स काफी हद तक समान हैं। द्रव्यमान के अनुसार सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन तो 27% हीलियम मौजूद है, वहीं बाकी में कुछ अन्य एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह जुपिटर में द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 73% हाइड्रोजन तो 24% हीलियम मौजूद है। यही कारण है कि जुपिटर को कभी कभी फेल्ड स्टार भी कह दिया जाता है। तारे और ग्रह जो भी आप देखते हैं वे दोनों ही अलग अलग मैकेनिज्म से पैदा होते हैं। एक तारे का जन्म तब होता है जब एक इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड में मौजूद मटेरियल की एक घनी गांठ अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाती है। घूमते हुए मटेरियल की यह प्रक्रिया क्लाउड कोलैप्स कहलाती है। जैसे जैसे ये डेंस मटेरियल की गांठ घूमती रहती है, यह अपने चारों ओर स्टेलर एक्रेशन डिस्क में मौजूद बादलों से बेहद ज्यादा मात्रा में मटेरियल को स्पूल करती चली जाती है। जैसे जैसे द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है, बेबी स्टार का यह कोर सख्त और सख्त होता चला जाता है, जिसके चलते ये गर्म और गर्म होने लगता है। आखिरकार ये इतना कंप्रेस्ड यानी संकुचित होकर गर्म हो जाता है कि यह कोर जलते हुए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को शुरू कर देता है। अब तारों के निर्माण की हमारी समझ के अनुसार एक बार जब तारा इस एक्रेटिंग मटेरियल से बनकर अपना आकार ले लेता है, तब भी बहुत ज्यादा मटेरियल इस एक्रेटिंग डिस्क में बचा रह जाता है और इसी से आखिरकार ग्रह बनते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि जुपिटर जैसे गैस जायंट्स ग्रहों के निर्माण के लिए यह प्रोसेस जो पेबल एक्रेशन कहलाती है, दरअसल शुरू होती है बर्फीली चट्टान और धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से।
जैसे ही ये बेबी स्टार को ऑर्बिट करते हैं, मटेरियल के ये छोटे छोटे टुकड़े स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ चिपकते हुए आपस में टकराने लगते हैं। आखिरकार जब ये बढ़ता हुआ क्लंप यानी झुरमुट एक बड़े पर्याप्त आकार तक पहुंच जाता है, करीबन 10 पृथ्वी द्रव्यमान जितना तक, तब यह अपने ताकतवर गुरुत्वाकर्षण के चलते आसपास की डिस्क से और ज्यादा से ज्यादा गैस को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और ठीक इसी प्रोसेस से जुपिटर अस्तित्व में आया। इस बिंदु से जुपिटर धीरे धीरे अपने वर्तमान द्रव्यमान तक बढ़ गया, जहां हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना तक, तो सूर्य के द्रव्यमान का 0.001 गुना तक। एक बार जब इसने अपने आसपास मौजूद सारे मटेरियल को अपनी ओर खींच लिया, तो यह उस द्रव्यमान तक पहुंच ही नहीं सका जहां से यह अपनी कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन को शुरू कर पाता। इसके आसपास इतना मटेरियल मौजूद ही नहीं रहा था, जिसके चलते इसका और बढ़ना बंद हो गया। ठीक इसीलिए जुपिटर कभी भी इतना बड़ा होकर भी उस द्रव्यमान के करीब तक भी नहीं पहुंच सका जहां से यह कभी भी एक तारा बन पाता। जुपिटर की संरचना बिल्कुल सूर्य के समान है। ऐसा हम इसीलिए नहीं कह रहे कि यह एक फेल्ड स्टार रहा, बल्कि इसीलिए क्योंकि यह उसी मॉलिक्यूलर गैस से पैदा हुआ था जिसने हमारे सूर्य को भी जन्म दिया। वेल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की एक अलग क्लास मौजूद है जिन्हें सही मायनों में फेल्ड स्टार कहा जा सकता है, और ये कहलाते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स। ये ऐसे पिंड कहे जा सकते हैं जो वास्तव में गैस जायंट्स ग्रहों और सितारों के बीच के गैप्स को फिल करते हैं। जुपिटर के द्रव्यमान से लगभग 13 गुना से ज्यादा शुरू होते हुए ये ऑब्जेक्ट्स कोर फ्यूजन को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमानित होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी कोर में सामान्य हाइड्रोजन को नहीं बल्कि ड्यूटेरियम का फ्यूजन करते हैं। इसे भारी हाइड्रोजन के रूप में भी जाना जाता है। यह दरअसल हाइड्रोजन का ही एक हैवी आइसोटोप होता है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इसके विपरीत इससे हल्के आम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन ही मौजूद होता है। इसके फ्यूजन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर कम होता है हाइड्रोजन के फ्यूजन के टेम्परेचर और प्रेशर की तुलना में। अब क्योंकि यह फ्यूजन कम द्रव्यमान, तापमान और दबाव पर होता है, जिसके चलते ड्यूटेरियम फ्यूजन तारों में होने वाले हाइड्रोजन फ्यूजन के लिए इंटरमीडिएट स्टेप कहा जा सकता है, क्योंकि तारे अपने द्रव्यमान को बढ़ाना जारी रखते हैं। लेकिन इस जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तारे बनने जितने द्रव्यमान तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, और यही कहलाते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स या सही मायनों में फेल्ड स्टार्स। साल 1995 में इनके अस्तित्व की पुष्टि होने के बाद कुछ समय के लिए यह अज्ञात रहा था कि इन्हें सितारों से कमतर कुछ कहा जाना चाहिए या ग्रहों से बढ़कर कुछ कहा जाना चाहिए। लेकिन आगे चलकर कई स्टडीज ने दर्शाया कि ये तारों की तरह ही बनते हैं, क्लाउड कोलैप्स के जरिए, ना कि जुपिटर जैसे कोर एक्रेशन के जरिए। और तो और कुछ ब्राउन ड्वार्फ्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनका द्रव्यमान ड्यूटेरियम बर्निंग के लिए पर्याप्त नहीं रहा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स ग्रहों में भी शामिल नहीं किए जा सकते। क्लाउड कोलैप्स की लोअर मास लिमिट के लिए जुपिटर एकदम सही कैंडिडेट है। किसी क्लाउड कोलैप्स ऑब्जेक्ट की सबसे छोटी द्रव्यमानित सीमा का अनुमान लगभग एक जुपिटर द्रव्यमान जितना तक लगाया गया है। तो अगर जुपिटर वाकई तारों की तरह ही क्लाउड कोलैप्स के चलते बना था, तो इसे एक फेल्ड स्टार माना जा सकता था। लेकिन नासा के जूनो प्रोब के जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि एक समय पर जुपिटर के पास ठोस कोर था, और जूनो की यह जांच कोर एक्रेशन फॉर्मेशन मेथड का समर्थन ज्यादा करती है। मॉडलिंग से पता चलता है कि कोर एक्रेशन के जरिए एक ग्रह के द्रव्यमान की सबसे ऊपरी सीमा यानी मैक्सिमम अपर लिमिट जुपिटर के द्रव्यमान से ऊपर जाते हुए 10 गुना के अंदर है। कुछ और जुपिटर मैसेस जोड़ने पर ऐसा कोई मैसिव ग्रह ड्यूटेरियम फ्यूजन को शुरू कर सकने के काबिल हो जाएगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? इस बारे में सोचने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है। इसके अलावा हम यह भी नहीं भूल सकते कि जुपिटर एक धारीदार, तूफानों से भरा और घुमावदार अद्भुत आश्चर्य है, और इसके बिना हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं हो सकता था। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आप इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। और इस एपिसोड से कुछ भी नया जाना या सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।